आपने बिल्कुल सही पढ़ा, बीटेक इंजीनियरिंग मात्र 3 सालों में। तो आप कहेंगे, सर मैं तो जब से पढ़ाई के बारे सुना हूँ, मैंने सुना है कि बीटेक 4 साल का होता है। तो पूरी जानकारी को पाने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आप सभी दर्शकों का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वेलफेयर इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जो मेरे भाई डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर चुके हैं, चाहे किसी भी स्ट्रीम में किया हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मेकाट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, अगर वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग जेन्युइन तरीके से किसी भी UGC अप्रूव्ड, AICT अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से कर चुके हैं, ये सभी मेरे भाई जो लोग पढ़ाई से जुड़े हुए हो जानते हैं कि लेटरल एंट्री नाम का एक शब्द होता है, यानी आप देर से एंट्री कर रहे हो और आपको 1 साल का स्टेट अवे आपको बेनिफिट मिलता है। जहां आपकी बीटेक 4 साल में हो रही थी, वही बीटेक आपको 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा और सर्टिफिकेट की वैल्यू सेम रहेगी जैसे कि आप 4 साल में कंप्लीट करते हो। ये आप दिमाग में बिल्कुल नहीं सोचें कि अगर मैं लेटरल एंट्री कर रहा हूँ तो मेरे सर्टिफिकेट की वैल्यू कम होगी। कम नहीं होगी, मैं पर्सनली अपना ओपिनियन देता हूँ कि ज़्यादा होगी। इस तरह से कि एक तो आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी कंप्लीट किया 3 साल का रेगुलर मोड पे, उसके बाद आप बीटेक भी कर रहे हो, तो आपके पास इंजीनियरिंग का 2-2 सर्टिफिकेट होगा। और जहां तक हमारा अपना सोचना है कि आपको प्राथमिकता ज़्यादा दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं 2 शब्दों में आप सभी को बताते चलूं कि पूरा भारत तरक्की कर रहा, बड़े बड़े फैक्ट्रीज लग रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नई नई फैक्ट्रीज में नए नए रिक्वायरमेंट आ रही है। तो आप अगर इंजीनियरिंग करते हो तो आपके जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। तो जॉब अच्छा पाना है तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लीजिए, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन यानी वेलफेयर इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ जुड़िए, जो आपको कम समय में, किफ़ायती कॉलेज में, चुनिंदा कॉलेज में, आपके शहर के अनुसार कॉलेज में आपको एडमिशन दिलाएगा, जो भी AICTE एंड UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ होंगे जिसकी सर्टिफिकेट की वैल्यू होगी। मैं बार बार कहता हूँ कि जीवन में आगे पढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, बिकॉज दुनिया की सारी चीज़ें चुराई जा सकती है, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी डिग्री कोई नहीं चुरा सकता। अब प्रॉब्लम यह आता है कि सर आपने लेटरल एंट्री तो बता तो दिया, लेकिन मुझे आसानी से एडमिशन नहीं मिल रहा है, या पसंदीदा कॉलेज में या बजट के अनुसार एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो हम करेंगे आपके सपनों को साकार और दिलाएंगे AICTE एंड UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन, बिकॉज वेलफेयर इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी एक 14 ईयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बहुत सारे AICTE एंड UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ का ऑथराइज एडमिशन सेंटर है। यानी हम लोग को ऑथराइजेशन मिला है कि हम आपको एडमिशन दिला सके। बीटेक में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मेकाट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या जितने भी स्ट्रीम है, किसी भी स्ट्रीम में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं हम लोग दिलाएंगे एडमिशन। या फिर किसी वजह कर आपकी बीटेक या आपकी डिप्लोमा बीच में छूट गई है, पढ़ाई आपने अधूरी की है, तो आप इंजीनियर नहीं हो, तो भी आप नहीं हारे, आप हम लोग से संपर्क करें, हम लोग आपको एडमिशन दिलाएंगे, मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ताकि आप अच्छे से पास हो जाए, पढ़ लिख के कामयाब हो जाए और खुद को और अपने परिवार वालों को खुशियां दें, जो सिर्फ और सिर्फ पैसे की मदद से अभी तक आप नहीं दे पा रहे हैं। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पैसे की मदद से बहुत सारी खुशियों को हम खरीद सकते हैं और बहुत सारे दुख को दूर भेज सकते हैं। फैसला आपके हाथ में है। 3 से 4 साल आप मेहनत करके अपनी 30 से 40 साल को आबाद करना चाहते हैं, या 3 से 4 साल मेहनत नहीं करके अपने आने वाली ज़िंदगी को बर्बाद या परेशान करना चाहते हैं। आपका आंसर होगा, सर मैं आबाद होना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, तरक्की करना चाहता हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ एक साधन है, पढ़िए और आगे बढ़िए और हम आपको एडमिशन दिलाएंगे। आप YouTube के बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे, लेकिन बहुत कम ही लोग एजुकेशनल सिस्टम के बारे दूसरे बच्चों को गाइड करते हैं और मोटिवेट करते हैं। लेकिन हमारा काम ही है आपको मोटिवेट करना और गाइड करना, ताकि आप सही जगह पे सही समय और सही पैसा इन्वेस्ट करें, ताकि आपका भविष्य अच्छा हो, उज्जवल हो। तो अगर आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, बीटेक में या एमटेक में एडमिशन किसी भी कारणवश नहीं मिल पा रहा है, आपके बजट के अनुसार नहीं मिल पा रहा है, आपके पसंदीदा स्टेट में नहीं मिल पा रहा है, या आप आधे में फेल हो गए हैं, चाहे डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, चाहे बीटेक में, चाहे एमटेक में, तो निराश नहीं हो, हम करेंगे आपके सपनों को साकार और आपको एक सफल और एक कामयाब इंसान बनने में भरपूर योगदान देंगे। बिकॉज सबसे पहले हम लोग मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, इतना उत्साह भरेंगे आपके अंदर कि आपको फिर से पढ़ने की इच्छा जाग उठेगी, तभी तो आप पढ़ेंगे और तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर इस तरह की ख्वाहिश आपको है कि आप पढ़ना चाहते हैं, खूब आगे बढ़ना चाहते हैं, तो देर नहीं करें, सपने सोचने से साकार नहीं होते। नीचे दिए नंबर पर फ़ोन करें, हमारी हाईली क्वालिफाइड एडुकेटेड मैडम आपको गाइड करेंगी, मोटिवेट करेंगी, एडुकेट करेंगी, इंस्टीट्यूट तक आने का रास्ता बताएंगी और आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाएंगी। इस तरह के वीडियोज़ बनाने में
काफ़ी समय और मेहनत लगता है। आपसे आपका भाई आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आपके परिवार में, दोस्त रिश्तेदार में जितने भी लोग पढ़ना चाहते हैं, इस वीडियो को वहाँ तक शेयर करें, देश के कोने कोने तक शेयर करें। जो मेरे गार्जियंस विदेश में बैठे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए इस वीडियो को सऊदी, दुबई, ओमान, कतर, जद्दा, रियाद, हर जगह शेयर करें, ताकि किसी वजह कर अगर गार्जियन नहीं पढ़ पाए तो जो परेशानी वो आज झेल रहे हैं, परेशान हैं किसी भी वजह कर, तो वो परेशानी उनके बच्चे नहीं झेलें, वो खूब पढ़े और खूब बढ़े और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करें और खुद को, अपने परिवार वालों को ढेर सारी खुशियाँ दें, चाहे वो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे वो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू हो। देश के हित के लिए और जो लोग पढ़कर आगे बढ़ना चाहते हैं उनके हित के लिए इस वीडियो को देश में वायरल कर दें। जो मेरे गार्जियंस किसी भी वजह कर पढ़ नहीं पाए लेकिन आज सऊदी, दुबई, ओमान, कतर में काम कर रहे, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनके हित के लिए इस वीडियो को विदेश तक शेयर करें, ताकि पढ़े हमारा देश और आगे बढ़े हमारा देश। सबका साथ तभी सबका विकास। अकेले आप पढ़ के इंजीनियर बन जाएंगे तो कोई कमाल की बात नहीं है, लेकिन अगर आपके द्वारा इस वीडियो को शेयर करने से मात्र 4 लोग ही हमारे भारत में इंजीनियर बन जाते हैं, तो आपने पुण्य का एक सवाब का काम किया, जिसके वजह कर वो भी खुश होगा, उसके पूरे परिवार भी खुश होंगे, हेल्दी होंगे और वो एक खुशहाली ज़िंदगी गुजारेंगे। किसी भी तरह से अपने अपने भगवान को याद करना एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये हमारा अपना मानना है कि किसी का भलाई करना भी एक बहुत ही अच्छी बात है, जो कहीं ना कहीं मैं पर्सनल लेवल पे इसको प्रार्थना से ऊपर रखता हूँ। बिकॉज किसी का पूरा परिवार खुश हो सकता है जब वो खुशहाल होता है, यानी एक कमाने वाला इंसान खुद भी अपनी ज़िंदगी को अच्छा करता है, अपने परिवार वाले की ज़िंदगी को भी अच्छा करता है। इसी तरह की विचारधारा मन में रखते हुए इस वीडियो को वायरल कर दें, देश विदेश हर जगह शेयर कर दें, ताकि सभी लोग पढ़ें और सभी लोग आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।